को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक ओर जहां राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना काल लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से तबादले की जो स्थिति बनी हुई है वो थमी हुई थी, तो वहीं कुछ महत्वपूर्ण तबादले जरूर किए गए हैं, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है वो बंद थी, जिसे लेकर आगामी अप्रैल में बैठक की जाएगी और एक बार फिर उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। कोरोना के कारण जो ट्रांसफर की स्थानांतरण की हमारी नीति थी उसको हमने 2 साल स्थगित रखा था। आवश्यक स्थानांतरण कहीं कहीं किए गए थे, लेकिन जो व्यापक पैमाने पे लोगों के एप्लीकेशन पे स्वेच्छा से और कुछ प्रशासनिक स्थानांतरण होते हैं वो लगभग 2 साल हो नहीं पाए हैं। अभी भी कोरोना का ये संक्रमण लगभग बढ़ रहा है, परिस्थितियाँ क्या बनती हैं ये आने वाले समय में पता लगेगा। उसके बावजूद भी चूंकि बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमको इसको करना पड़ेगा, तो शायद ये अप्रैल माह में इसकी बैठक हो और इस बारे में कोई सुविचारित नीति से हम लोग काम करें। ये तो 12 महीना चल रहे हैं, बंद कहाँ हुआ है? आज अधिकारी जो है अनिश्चितता की स्थिति में उनके हमेशा रहते हैं कि कब किसकी विदाई हो जाए, और इसलिए इसका जो प्रभाव पड़ा है विगत 2 वर्ष में आप धरातल पर जाएंगे तो सरकार की ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनी जो आज आपको अस्तित्व में जमीन में दिखाई दे और उसका अस्तित्व आए। जिस प्रकार से अधिकारियों में कि ट्रांसफर की जो पॉलिसी सरकार के रही है तो अधिकारियों में भी इस बात को लेकर के निश्चितता रहती है, और इसलिए वो भी रूटीन कार्य को छोड़ करके आपको प्रदेश में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है।